सोम शर्मा की पितृभक्ति। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री विष्णु का गोलोक धाम तम से परे परम प्रकाश रूप है। पूर्वोक्त चारों ब्राह्मण जब उस लोक में चले गए, तब महाप्राज्ञ शिव शर्मा ने अपने छोटे पुत्र से कहा, महामते सोम शर्मन, तुम पिता की भक्ति में रत हो। मैं इस समय तुम्हें यह अमृत का घड़ा दे रहा हूं, तुम सदा इसकी रक्षा करना। मैं पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। यह सुनकर सोम शर्मा ने कहा, महाभाग ऐसा ही होगा। बुद्धिमान शिव शर्मा सोम शर्मा के हाथ में वह घड़ा देकर वहां से चल दिए और 10 वर्षों तक निरंतर तपस्या में लगे रहे। धर्मात्मा सोम शर्मा दिन रात आलस्य छोड़कर उस अमृत कुंभ की रक्षा करते रहे। 10 वर्षों के पश्चात महायशस्वी शिव शर्मा पुनः लौटकर वहां आए। ये माया का प्रयोग करके भार्या सहित कोढ़ी बन गए। जैसे वे स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, उसी प्रकार उनकी स्त्री भी थी। दोनों ही मांस के पिंड की भांति त्याग देने योग्य दिखाई देते थे। वे धीर चित्त ब्राह्मण महात्मा सोम शर्मा के समीप आए। वहां पधारे हुए माता पिता को सर्वथा दुख से पीड़ित देख महायशस्वी सोम शर्मा को बड़ी दया आई। भक्ति से उनका मस्तक झुक गया। वे उन दोनों के चरणों में पड़ गए और बोले, पिताजी, मैं दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो तपस्या, गुण समुदाय और उत्तम पुण्य से युक्त होकर आपकी समानता कर सके। फिर भी आपको यह क्या हो गया? विप्रवर, संपूर्ण देवता सदा दास की भांति आपकी आज्ञा के पालन में लगे रहते हैं। वे आपके तेज से खींचकर यहां आ जाते हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं तो भी किस पाप के कारण आपके शरीर में यह पीड़ा देने वाला रोग हो गया? ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसका कारण बताइए। यह मेरी माता भी पुण्यवती है, इसका पुण्य महान है। यह पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है। यह अपने स्वामी की कृपा से समूची त्रिलोकी को भी धारण करने में समर्थ है। जो राग द्वेष का परित्याग करके भांति भांति के कर्मों द्वारा अपने पतिदेव का पूजन करती है, देवताओं की ही भांति गुरुजनों के प्रति भी जिसके हृदय में आदर का भाव है, वह मेरी माता क्यों इस कष्टकारी कुष्ठ रोग का दुख भोग रही है? शिव शर्मा बोले, महाभाग, तुम शोक न करो। सबको अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य प्रायः पूर्वकृत पाप और पुण्यमय कर्मों से युक्त होता ही है। अब तुम हम दोनों रोगियों के घावों को धोकर साफ करो। पिता का यह शुभ वाक्य सुनकर महायशस्वी सोम शर्मा ने कहा, आप दोनों पुण्यात्मा हैं, मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगा। माता पिता की शुश्रूषा के सिवा मेरा और कर्तव्य ही क्या है? सोम शर्मा उन दोनों के दुख से दुखी थे। वे माता पिता के मलमूत्र तथा कफ आदि धोते, अपने हाथ से उनके चरण पखारते और दबाया करते थे। उनके रहने और नहाने आदि का प्रबंध भी वे पूर्ण भक्ति के साथ स्वयं ही करते थे। विप्रवर सोम शर्मा बड़े यशस्वी, धर्मात्मा और सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। वे अपने दोनों गुरुजनों को कंधे पर बिठाकर तीर्थों में ले जाया करते थे। वे वेद के ज्ञाता थे, अतः मांगलिक मंत्रों का उच्चारण करके दोनों को अपने हाथ से विधि पूर्वक नहलाते और स्वयं भी स्नान करते थे। फिर पितरों का तर्पण और देवताओं का पूजन भी वे उन दोनों से प्रतिदिन कराया करते थे। स्वयं अग्नि में होम करते और अपने दोनों महागुरु माता पिता को प्रसन्न करते हुए अपने सब कार्य उन्हें बताया करते थे। सोम शर्मा उन दोनों को प्रतिदिन शैया पर सुलाते और उन्हें वस्त्र तथा पुष्प आदि सब सामग्री निवेदन करते थे। परम सुगंधित पान लगाकर माता पिता को अर्पण करते तथा नित्य प्रति उनकी इच्छा के अनुसार फल, मूल, दूध आदि उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थ खाने को देते थे। इस क्रम से वे सदा ही माता पिता को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। पिता सोम शर्मा को बुलाकर उन्हें नाना प्रकार के कठोर एवं दुखदायी वचनों से पीड़ित करते और आतुर होकर उन्हें डंडों से पीटते भी थे। यह सब करने पर भी धर्मात्मा सोम शर्मा
कभी पिता के ऊपर क्रोध नहीं करते थे। वे सदा संतुष्ट रहकर मन, वाणी और क्रिया तीनों के ही द्वारा पिता की पूजा करते थे। ये सब बातें जानकर शिव शर्मा अपने चरित्र पर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, सोम शर्मा का मेरी सेवा में अधिक अनुराग दिखाई देता है, इसीलिए समय पर मैंने इसके तप की परीक्षा की है। किंतु मेरा पुत्र भक्ति भाव तथा सत्यपूर्ण बर्ताव से भ्रष्ट नहीं हो रहा है। निंदा करने और मारने पर भी सदा मीठे वचन बोलता है। इस प्रकार मेरा बुद्धिमान पुत्र दुष्कर सदाचार का पालन कर रहा है। अतः अब मैं भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से इसके दुख दूर करूंगा। इस प्रकार बहुत देर तक सोच विचार करने के पश्चात परम बुद्धिमान शिव शर्मा ने पुनः माया का प्रयोग किया। अमृत के घड़े से अमृत का अपहरण कर लिया। उसके बाद सोम शर्मा को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे हाथ में रोगनाशक अमृत सौंपा था, उसे शीघ्र लाकर मुझे अर्पण करो, जिससे मैं इस समय उसका पान करूं। पिता के यों कहने पर सोम शर्मा तुरंत उठकर चल दिए। अमृत के घड़े के पास जाकर उन्होंने देखा कि वह खाली पड़ा है, उसमें अमृत की एक बूंद भी नहीं है। यह देखकर परम सौभाग्यशाली सोम शर्मा ने मन ही मन कहा, यदि मुझमें सत्य और गुरु शुश्रूषा है, यदि मैंने पूर्व काल में निश्चल हृदय से तपस्या की है, इंद्रिय संयम, सत्य और शौच आदि धर्मों का ही सदा पालन किया है, तो यह घड़ा निश्चय ही अमृत से भर जाए। महाभाग सोम शर्मा ने इस प्रकार विचार करके ज्यों ही उस घड़े की ओर देखा, त्यों ही वह अमृत से भर गया। घड़े को भरा देख उसे हाथ में ले महायशस्वी सोम शर्मा तुरंत ही पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पिताजी, लीजिए, यह अमृत से भरा घड़ा आ गया। महाभाग, अब इसे पीकर शीघ्र ही रोग से मुक्त हो जाइए। पुत्र का यह परम पुण्यमय तथा सत्य और धर्म के उद्देश्य से युक्त मधुर वचन सुनकर शिव शर्मा को बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, पुत्र, आज मैं तुम्हारी तपस्या, इंद्रिय संयम, शौच, गुरु शुश्रूषा तथा भक्ति भाव से विशेष संतुष्ट हूं। लो, अब मैं इस विकृत रूप का त्याग करता हूं। यों कहकर ब्राह्मण शिव शर्मा ने पुत्र को अपने पहले रूप में दर्शन दिया। सोम शर्मा ने माता पिता को पहले जिस रूप में देखा था, उसी रूप में उस समय भी देखा। वे दोनों महात्मा सूर्य मंडल की भांति तेज से दीप रहे थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति के साथ उन महात्माओं के चरणों में मस्तक झुकाया। तदनंतर वे दोनों पति पत्नी पुत्र से बातचीत करके अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु की कृपा से अपनी पत्नी को साथ ले विष्णु धाम को चले गए। अपने पुण्य और योगाभ्यास के प्रभाव से उन महर्षि ने दुर्लभ पद प्राप्त कर लिया।